नमस्कार, अपन निज में स्वागत है। हम ब्रह्मानंद ठाकुर। शुक्र दिन भिनसर बर्दिया के मैना पोखर में प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच झड़प भेला के बाद प्रहरिये के बंदूक के गोली लाग के हवलदार देव बहादुर पांडे के मृत्यु भेल। पांडे के ठेवना में गोली लगला के बाद इलाजक लेल नेपालगंज लऽ जात काल मृत्यु भेल। थारू संघर्ष समिति बर्दिया के संयोजक गोविंद थारू देने जानकारी अनुसार प्रहरी फायर करय लगला के बाद आंदोलनकारी तितर बितर भेल छल आ आंदोलनकारी के खियारा के क्रम में प्रहरिये के बंदूक से चलल गोली से हवलदार के मृत्यु भेल। अना थरुवर थरुवान संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक एक विज्ञप्ति जारी करते हवलदार के मृत्यु प्रहरिये के गोली से भेल दावी कलने। ओ आंदोलन के कमजोर कर के नियत से भ्रामक समाचार संचार माध्यम में फैलाओल गए विज्ञप्ति मार्फत जनौलन। थारू पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबटा बात बाहर आयत कहत आंदोलनकारी के बदनाम कर के काज भर बतौलन। ओ अखन वही क्षेत्र के गांव गांव में प्रहरी प्रवेश क थारू सबके पीटपाट कर रहा आ अखन धर तीन गोटे के नियंत्रण में लेने से बतौलन। एम्हर बर्दिया के प्रमुख जिला अधिकारी विनोद बहादुर कुंवर अखन अपना सब संगे विस्तृत जानकारी नहीं रहल आ अनुसंधान जारी रहल बतौलन। ज्ञान योग भक्ति योग आ कर्म योग के प्रणेता कृष्ण जन्माष्टमी शनि दिन भाद्र कृष्णाष्टमी के दिन मनाए रहल है। कृष्णाष्टमी जनकपुर सहित देश के विभिन्न ठाम में मनाओल जा रहल है। द्वापर युग के अंत्य दिश भाद्र कृष्ण अष्टमी के मध्य राति में कृष्ण के जन्म भेल समझना में आजुक दिन ई पावनि मनाओल जा रहल जन विश्वास है। मामा कंस सहित अत्याचार से मानव जाति के मुक्ति देवल लेल वासुदेव आ देवकी के आठम गर्भ से विष्णु के आठम अवतार के रूप में श्री कृष्ण के जन्म भेल धार्मिक विश्वास है। धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख भेल अनुसार कृष्ण पाप के पर्याय बनल कंस के बध क नाना उग्रसेन माय बाबू देवकी एवं वासुदेव के कारागार मुक्त कने छलथ। बाल्यकाल से विचित्र लीला देखौने कृष्ण गोपिनी आ राधा जेहन किशोरी संग केने प्रेम प्रसंग के कारण ऐ महीना प्रेमोत्सव अर्थात झूलनोत्सव के रूप में सेहो मनाओल जात है। अन्याय अत्याचार आ दानवी प्रवृत्ति से मानव जात के सुरक्षित बनाब के उद्देश्य से विष्णु आदमी के अवतार के रूप में श्री कृष्ण भक धरती में अवतरण भेल मानल जात है। मैथिल ब्राह्मण समाज शनि दिन जनकपुर में मदेश आंदोलन के समर्थन में व्यंग्यात्मक महायज्ञ कर जा रहा है। मदेश विरोधी तत्व के विनाश करवाक अभिप्राय से समाज शनि जनकपुरक जनक चौक पर मदेश द्रोही विनाशक महायज्ञ नामक यज्ञ कर जा रहा है। पहल बेर शांतिपूर्ण व्यंग्यात्मक रोचक शैली में कर जा रहा यज्ञ बेरिया के 2 बजे हेत। अ शांतिपूर्ण यज्ञ में मदेश आ मदेशी प्रेमी सबके आमंत्रण कैल गेल। संयुक्त लोकतांत्रिक मदेशी मोर्चा द्वारा शुक्र दिन कैल गेल शांतिपूर्ण लाठी जुलूस के बाद पुलिस घर घर में पेश कर स्थानीय सबके पीटपाट केने कहत मोर्चा आपत्ति जनौलक। शांतिपूर्ण प्रदर्शन समाप्त भेला के बाद पुलिस 0 माइल दशरथ सागर नजदीक के मुस्लिम मोहल्ला देवी चौक सहित ठाम में घर घर में पेश कर अमानवीय तरीका से पीटने कहत विज्ञप्ति जारी करत घोर भर्त्सना कलक। साथे ऐसे जनता आक्रोशित भ उत्पन्न होबय वाला स्थिति के जिम्मेवार स्वयं प्रशासन हाथ कहल गेल। साथे मदेश विरोधी किछ उत्सृंखल तत्व सब संचार कर्मी सब ऊपर हाथ पात केने आ तोड़फोड़ केने कहत एहन सब के बाकाबा में नहीं आब आंदोलनकारी सब से अपील कैल गेल। संगे मोर्चा यादव 21 गते मोर्चा भादव 21 गते विशाल जुलूस प्रदर्शन कर जा रहा आ गाम गाम से जन सहभागिता के आबिक शांतिपूर्ण जुलूस में सहभागी होब अपील कने। एम्हर शुक्र दिन से जनकपुरक 0 माइल आ रामानंद चौक के बीच में से पुलिस निर्दोष साइकिल सवार तथा पैदल यात्री सबके पीटपाट कने छल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा जनकपुर में लाठी सहित जुलूस प्रदर्शन कने। जनकपुरक जनक चौक से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करते कौन सभा में परिणत भेल छल। शुक्र दिन जनक चौक विद्यापति चौक जिला प्रशासन कार्यालय होइत भानु चौक जाकर पुनः कौन सभा में परिणत भेल छल। लाठी जुलूस में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के घर
उत्पीड़ित समुदाय के मांग संबोधन कर के मांग सहित जनकपुरक युवा क्लबक अगुवा सब सड़क पर उतरल जनकपुरक सब चौक से जनकपुरक राम चौक से शुरू भेल जुलूस नगरक विभिन्न भाग की परिक्रमा केने छल। महावीर युवा कमेटी के अगुवाई में निकल जुलूस देवी चौक मिल्स एरिया भानु चौक जनक चौक पर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में नेपाल पत्रकार महासंघ धमसाक निवर्तमान अध्यक्ष राम आशीष यादव संरचना नेपालक अध्यक्ष अमरचंद्र अनिल मंतव्य रखने छलत। विरोध जुलूस में राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी संबद्ध युवा संगठन समाजवादी विद्यार्थी संघक केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा मधेश अधिकार संघर्ष समिति सरोज मिश्र एवं राम युवा कमेटी गणेश युवा कमेटी लगायत के अगुवा सबके सहभागिता रहल छल। विगत में भेल समझौता कार्यान्वयन कर के मांग करे एकीकृत नेकपा माओवादी के मधेशी मुक्ति मोर्चा द्वारा धनुषा के महेंद्र नगर में धोती रैली प्रदर्शन कैल गेल। धोती रैली में ए माओवादी के नेता तथा कार्यकर्ता लगात के स्थानीय सब मधेशी के पहचान धोती या कुर्ता लगाकर नाराबाजी केने छल। वो सब महेंद्र नगर के हनुमान चौक से रैली शुरू कके अमर चौक छिरेश्वर चौक नया बाजार सखुआ चौक होत फिर से हनुमान चौक में जाकर कौन सभा में परिणत भेल छल। कौन सभा के संबोधन करते एकीकृत नेकपा माओवादी के नेता विजय कुमार यादव के अनुसार मधेश अधिकार के लेल जारी आंदोलन में दमन कर सरकार सेना परिचालन से लर्फ्यू से लगौने लगौला से सेना फिरता कर के आ धोती अपना सबके पहचान रहल धारणा व्यक्त केने छलत। वही धोती रैली में ए माओवादी के नेता विजय कुमार यादव टंक प्रसाद उपाध्याय भंडारी उदय महतो वीरेंद्र महतो समीम खान जीवस धुनिया लगात के सयो नेता कार्यकर्ता तथा स्थानीय सबके सहभागिता रहल छल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नेता कार्यकर्ता धनुषा के सुगा मधुकरी में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला आ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली के पुतला दहन केने अछि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 अंतर्गत पड़े वाला सुगा मधुकरी के स्थानीय शुक्र के भिनसर में प्रधानमंत्री आ एमाले अध्यक्ष के पुतला दहन करवा के संगे गृहमंत्री वामदेव गौतम के राजीनामा के मांग केने छल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा केने संघर्ष धनुषाक ग्रामीण क्षेत्र सब में सेहो उग्र भेल अछि। एम्हर जनकपुरक ठाम ठामे प्रदर्शनकारी सब टायर बायर के बाट सब अवरुद्ध करैत प्रदर्शन कर रहल अछि। जनकपुर में स्थानीय प्रशासन से लगाओल गेल निषेधाज्ञा खुला कैल गेल अछि। सुरक्षा समिति शुक्र दिन दुपहरिया में भेल बैसार से 1 बजे से निषेधाज्ञा खुला कर के निर्णय केने छल। बीतल बुध दिन दुपहरिया के 12 बजे से जनकपुरक सरकारी कार्यालय रहल क्षेत्र सब में स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा जारी केने छल। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पराजुली शनि दिन भऽ रहल कृष्णाष्टमी के लक सर्वसाधारण के आवत जावत में कठिनाई के देखते निषेधाज्ञा खुला कैल गेल जनौलन अछि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा जनकपुर में शुक्र दिन लाठी जुलूस निकाल कर निषेधाज्ञा तोड़ के तैयारी कर रहा समय में स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा खुला केने अछि। जनकपुरक विद्यापति चौक से कदम चौक नीलम टाकिस से दक्षिण पश्चिम में रहल उत्तिमपुर से कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय आ भूतनाथ मंदिर से आंतरिक राजस्व कार्यालय धरि बुध के दुपहरिया से स्थानीय प्रशासन सुरक्षा समिति के निर्णय से निषेधाज्ञा जारी केने छल। ओहि क्षेत्र में सभा जुलूस नाराबाजी प्रदर्शन अनशन लगायत के गतिविधि पर रोक लगाओल गेल छल। बीतल 11 दिन से आमरण अनशन पर बैसल मधेश अधिकार संघर्ष समिति के सलाहकार इंद्र कुमार मधेशानंद शुक्र के भिनसर में आमरण अनशन तोड़लन अछि। गृह मंत्रालय बृहस्पति दिन पत्रचार के आमरण अनशन तोड़ कर वार्ता में आवा आह्वान केने आ संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चाक नेता सब मोर्चा में आबद्ध दलक सभासद अपन अपन पार्टी अध्यक्ष समक्ष राजनेमा बुझा चुकल खुलासा सहितक पत्र पठौला के बाद मधेशानंद शुक्र के भिनसर सभा 9 बजे आमरण अनशन तोड़ने छथि। स्वास्थ्य स्थिति कमजोर होत गेला के बाद मधेशानंद के बुध के दोपहर 24 घंटे चिकित्सक निगरानी में अंचल अस्पताल जनकपुर में भर्ना कराओल गेल छल। अस्पताल में आमरण अनशन जारी रखने मधेशानंद के स्वास्थ्य अवस्था थप बिगड़ित गेला के बाद तमलोपाक उपाध्यक्ष बृखेश चंद्र लाल सभासद विजय कुमार सिंह सद्भावनाक केन्द्रीय सदस्य लाल किशोर शाह नेकपा माओवादी रोशन जनकपुरी आ राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टी के सभासद दिनेश प्रसाद शाह संयुक्त वक्तव्य जारी कर आमरण अनशन तोड़ के अपील केने छल। संविधान सभा से मधेशवादी दलक सभासद के राजीनामा आ मधेशक अधिकार सुनिश्चितता के मांग करते भादव 8 गते जनकपुरक जनक चौक में मधेशानंद आ भादव 13 गते शिक्षक नरेंद्र कुमार मिश्र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैसल छलत। मधेशानंद के बाबूजी वासुदेव झा जूस खुआ कर मधेशानंद के अनशन तोड़ने छलत। नरेंद्र कुमार मिश्र के कन्या वंदना मिश्र जूस कुआने छलत। दुनू गोटे के जानकी हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सक के निगरानी में राखल गेल अछि। अपन ही जखन के लेल अतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।